लिथियम आयन बैटरी का जो मॉडल होता है वन एट सिक्स फाइव जीरो दोस्तों ये वाला मॉडल हम सब में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोई भी प्रोजेक्ट आप पकड़ लीजिए ये बैटरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का भी होता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बैकअप भी देता है मगर दोस्तों जो प्रॉब्लम होता है इसका चार्जिंग का दोस्तों जो रेडीमेड चार्जर मार्केट में मिलता है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है जहाँ पर हम लोग एक फोर फाइव सिक्स जो मॉड्यूल आता है टी पी फोर जीरो फाइव सिक्स चार्जिंग मॉड्यूल उसके सहारे दोस्तों इजीली एक इसका चार्जर हम लोग बना सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं वही दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इजीली चार्जिंग का पूरा सेटअप बनाएंगे दोस्तों ये वाला होल्डर के सहारे ठीक है इस मॉड्यूल को आप डायरेक्ट आपके मोबाइल चार्जर में कनेक्ट कर सकते हो तो दोस्तों इसमें इसके सहारे आपका बैटरी को चार्ज भी हो जाएगा एंड इसमें ऑटो काटा फैसिलिटी भी रहता है एंड इंडिकेटर भी रहता है फुल चार्ज होने पर ठीक है दोस्तों तो आपको इस काम के लिए क्या चाहिए देखिए एक तो चाहिए मॉड्यूल और ऊपर में चाहिए ऐसा होल्डर ये दोस्तों सिंगल सेल होल्डर वन एट बैटरी मॉडल का मेरे दोस्तों दो होल्डर से मतलब दो बैटरी का चार्जर वालों एक सिंगल सर्किट से ये वाला सर्किट दोस्तों वन एम चार्जिंग करेंट हो रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि एक सर्किट से दो से ज्यादा बैटरी चार्ज मत कीजिए तो चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है आप एक बैटरी करेंगे तो थोड़ा फास्ट चार्जिंग होगा दो बैटरी पे नॉर्मल एवरेज चार्जिंग हो जाता है फाइव हंड्रेड मिली एम करके दो बैटरी को ठीक है तो सपोज आपका अगर एक टू थाउजेंड एम का बैटरी हुआ जैसे कि ये वाला देखिए ये वाला मेरे पास रूफर का बैटरी है टू फाइव हंड्रेड एम एच का बैटरी है ठीक है ये वाला बैटरी को अगर मैं एक सिंगल बैटरी को चार्ज करूँगा तो अप्रॉक्स मेरा टू पॉइंट फाइव आवर का टाइम लग सकता है एंड अगर दो बैटरी ऐसा दो बैटरी चार्ज करूंगा तो मेरा टू पॉइंट फाइव इंटू टू मीन्स फाइव आवर तक टाइम लग सकता है फुल चार्ज होने में अगर आपका बैटरी फुल डेन हो तो आपको इस काम के लिए देखिए ऐसा एक कार्डबोर्ड चाहिए मैं एम डी एफ का एक कार्डबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ आप चाहे तो नॉर्मल कोई भी कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो एंड डबल साइड टेप चाहिए आपका थोड़ा सा ताकि ये वाला जो होल्डर है इसमें फिक्स कर सके आप अभी दोस्तों इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में बोलते हो दो दोस्तों ये दोनों जो रेड वायर निकलते हैं ये दोनों को आपको कट करके एक साथ कर लेना होगा एंड ब्लैक वायर का जो मुंडी है दोनों को कट करके एक साथ में करके सोल्डरिंग करना होगा तो दोस्तों ऐसे देखिए मैंने दोनों का ब्लैक वायर एक साथ में कनेक्ट किया है एंड दोनों का रेड वायर एक साथ में कनेक्ट किया है ब्लैक वायर जो है दोस्तों ये दोनों में होल्डर के मिडिल से ले आऊंगा ऐसे ठीक है और ये सर्किट का देखिए सर्किट का जो इधर पे देखिए फोर होल है मैं आउट प्लस एंड आउट मउट माइनस को छोड़ दीजिए बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव इधर पे आप बैटरी का दोनों कनेक्शन करेंगे ठीक है बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव पे तो इधर पे देखिए मैंने बी नेगेटिव पे दोनों का नेगेटिव कनेक्ट किया बी पॉजिटिव पे दोनों का पॉजिटिव कनेक्ट किया अगर आप ऐसे ही फोर होल्डर यूज़ करेंगे तो फोर होल्डर का कनेक्शन एक ही साथ में आपको करना पड़ेगा ठीक है फोर होल्डर का नेगेटिव टू तो नेगेटिव पॉजिटिव टू तो पॉजिटिव और एक करेंगे तो सिंपल से एक कनेक्शन का ऐसे करना पड़ेगा तो अभी हम लोगों का दोस्तों ये सेटअप पूरा रेडी है अब इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं तो अभी देखिए इधर पे मैंने मोबाइल चार्जर को कनेक्ट किया है इसका जो और एक आपका एंड है इसको मैं कनेक्ट करूंगा इधर पे ठीक है अभी ये ब्लू एलईडी दिखा रहा है अभी देखिए चलिए मेरा एक ऐसा रूफर का एक बैटरी है जो टू थाउजेंड के इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इधर पे ठीक है तो चलिए अभी देखिए रेड कलर जल है मतलब इसका चार्जिंग ऑन हो गया है अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों इधर पे आपको सुविधा क्या मिलेगा एक रेडीमेड चार्जर खरीदने से इस चार्जर अगर आप बना लेंगे तो इतना देखिए इतना इजीली एक हैंडी चार्जर है मोबाइल्स के थ्रू इजीली चार्जर है या फिर आपका पावर बैंक के थ्रू भी आप इसको चार्ज कर पाएंगे एंड बहुत ही कम खर्चे में ठीक है ये सेम चीज़ मैं अभी आपको सेकेंड होल्डर में लगा के दिखाता हूँ ठीक है ये देखिए दो बैटरी चार्ज हो रहा है अभी देखिए एक बैटरी अभी और एक दो दूसरा वाला बैटरी भी है मेरे पास उसका भी उसको भी मैं चार्जिंग पे बिठा रहा हूँ अभी ठीक है तो ये देखिए दो बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो गया अभी दोस्तों जब ये फुल चार्ज हो जाएगा ना तो रेड कलर का जो एलईडी ब्लू कलर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा ये देखिए खोल लो तो ऐसा ठीक है फुल चार्ज में ये रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रहा दोस्तों हम लोग का पोर्टेबल इजिली लिथियम बैटरी चार्जर दोस्तों आप चाहे तो इसको अलग से केसिंग करके ब्यूटीफुल भी कर सकते हो तो दोस्तों आज के वीडियो में सीधा ही दोस्तों आगे जब हम लोग ऐसा और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा छोटा ड्राई प्रोजेक्ट भी तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों बहुत जल्दी मेरे नया एक्चिन वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहिएगा